So hello class 6, as you know that our chapter force is going on and in that chapter हमने आपका about force and its unit system के बारे में and type of force के बारे में पढ़ा था. So I am starting today your next topic, that is your effect of force. कि effect of force क्या होता है. यहाँ पर आपका heading दिख रहा होगा आपका effect of force. ठीक है, effect of force means, as we know that कि force means होता है कि पुशिंग एंड पुलिंग एन ऑब्जेक्ट. किसी भी ऑब्जेक्ट को हम पुश या पुल करते हैं तो उसे ये बोलते हैं आप, एंड वो अपनी पोजिशन चेंज कर दे तो हम उसे बोलते हैं फोर्स लगना. ठीक है, बट उस फोर्स के इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, दैट इज द क्वेश्चन. किस फोर्स से क्या क्या चेंजेस कर सकते हो आप, तो दैट इज द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ आवर, दैट इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स. तो उसने बोला है फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स मास. कि फोर्स अगर लगता है तो ये जरूरी नहीं कि उसका मास चेंज कर दे ऑब्जेक्ट का. हाउएवर इट कैन चेंज अदर थिंग्स, कि वो दूसरी चीज़ें चेंज कर सकता है. लाइक मैंने लिखा है कि अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट. कि अगर हम फोर्स अप्लाई करें तो वो ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज कर सकता है. स्टेट को मीन्स मैंने यहाँ पे माना है पेन रखा है, ये अभी किस पोजिशन में पूछूंगा, किस पोजिशन में, तो आप बोलोगे सर रेस्ट में है. रेस्ट में अब मैंने इसमें फोर्स लगा रहा हूँ तो ये किस में आ गई, मोशन में आ गई है. ठीक है, सो हम क्या कह सकते हैं कि फोर्स लगने से ऑब्जेक्ट की स्टेट क्या आती है, चेंज जाती है. अगर वो रेस्ट में है तो मोशन में आ जाएगी. और माना ये मोशन में है, ये पेन आ रहा है तो मैंने इसको क्या कर दिया, देखिए ये पेन गिरा तो मैंने इसको क्या कर दिया, यहाँ पे लगा दिया फोर्स, ये पुश कर दिया. ठीक है, क्या हो गया, रेस्ट में आ गया. तो फोर्स से क्या हो सकता है आपका, कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है. फोर्स लगने से हम ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज कर सकते हैं. अगर वो क्या पूछ सकते हैं कि अगर वो मोशन में है तो उसको हम रेस्ट में ला सकते हैं, और अगर रेस्ट में है तो हम उसको मोशन में कर सकते हैं. ठीक है, एज लाइक वी नो दैट कि अगर हम जैसे हम बॉल को ऊपर फेंकते हैं, थ्रो करते हैं, तो जब नीचे करते हैं हम हाथ में पकड़ेंगे तो रेस्ट में आ जाएगी. ये एग्जांपल यहाँ पे आपके दिख रहा होगा आपका. ठीक है, कि बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो मोशन में आती है, बट जब नीचे आ जाती है हमारी हैंड में तो रेस्ट में आ जाती है. तो मतलब हमने मोशन को रेस्ट में कवर कर दिया. ठीक है, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल कार का दे रखा है कि कार मोशन में है. ठीक है, और हमने फोर्स लगाया. ठीक है, तो उसकी क्या हो गई, फोर्स से हम क्या कर सकते हैं, एक और चीज़ भी कर सकते हैं. देखो यहाँ पे एक और चीज़ देखिए, फोर्स से हम क्या कर सकते हैं कि अगर माना कार चल रही है और मैंने उसमें फोर्स लगाया पीछे से, तो वो आगे के लिए और तेज जाएगी, मतलब उसकी स्पीड क्या जाएगी, चेंज हो जाएगी, उसकी स्पीड बढ़ जाएगी. ठीक है, उसकी स्पीड बढ़ जाएगी. तो हम बोल सकते हैं कि फोर्स से क्या कर सकते हैं, हम इसकी स्पीड हमने चेंज कर दी, बढ़ा दी, या इसमें अगर फोर्स लगाएंगे इसको रोकने के लिए तो इसकी स्पीड क्या कर देंगे, हम कम कर देंगे. तो हम साथ साथ ये करते हैं फोर्स से, ध्यान रखना फोर्स से तो हम क्या कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज कर सकते हैं, जो मैंने पहले बताया. सेकेंड, फोर्स से हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट की स्पीड में चेंज ला सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट हम फोर्स से डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं, हम फोर्स से डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं. अ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट. कि कोई ऑब्जेक्ट मूविंग किसी डायरेक्शन में जा रही है, हम फोर्स लगा के उसकी डायरेक्शन भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं. एज लाइक यू कैन सी दैट दिस फिगर, इस फिगर में दिख रहा हूँ आपको क्रिकेट बॉल है, तो आप देखेंगे जब बॉलिंग कराते हैं तो बॉल जो होता है, बॉल की डायरेक्शन कहाँ होती है, स्टंप की तरफ होती है. जब हम बॉलिंग कराते हैं तो बॉल की डायरेक्शन कहाँ होती है, स्टंप की तरफ. ठीक है, बट जैसे ही बैट्समैन उसको हिट करता है तो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है, चेंज करती है, चेंज हो जाती है. तो मतलब हमने फोर्स लगा के उसकी डायरेक्शन क्या कर दिया, चेंज कर दिया. तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कि फोर्स से हम डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं. ठीक है, इसका एक और एग्जाम्पल है कि जैसे फुटबॉल प्लेयर खेलते रहते हैं या बैडमिंटन खेलते हो आप, तो बैडमिंटन में हर बार क्या करते हो आप, रैकेट से कॉक को या शटल को मार के क्या करते हैं, उसकी डायरेक्शन चेंज करते रहते हो. तो वहाँ क्या लग रहा है आपका, फोर्स लग रहा है. तो पहली चीज, फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट. सेकंड चीज, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट थर्ड चीज, फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. कि फोर्स हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट का शेप और साइज भी चेंज कर सकते हैं. इसका एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पे देख रहे आपको फिगर में दिख रहा होगा आपको, कि जैसे लाइक या बैलून है, तो बैलून को आप देखते होंगे कि हाथ से जब दबा देते हैं, स्क्विच करते हैं, तो उसका साइज क्या होता है, चेंज हो जाता है या शेप चेंज हो जाता है सिंपली. एंड नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे स्प्रिंग का भी दे रखा है कि स्प्रिंग को आप दबा के क्या कर सकते हैं, उसका शेप या साइज क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं. सिमिलरली ये टूथब्रश का भी आप शेप एंड साइज क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो. एंड ये भी आपका एक जैसे स्पंज हो गया, स्पंज को भी प्रेस करके उसका शेप और साइज क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो. तो यहाँ हर जगह आपके लगा रहे हो, पुश या पुल कर रहे हो, यहाँ पुल कर रहे हो, यहाँ पुश कर रहे हो, यहाँ पुश कर रहे हो, यहाँ पुश कर रहे हो. तो जहाँ भी पुश एंड पुल हो रहा है वहाँ फोर्स लग रहा है, और उस फोर्स से क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का शेप एंड साइज चेंज हो जा रहा है. तो अब तीन चीज़ें पढ़ ली आपने, पहला चीज़ कि फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट, सेकेंड
फोर्स कैन चेंज द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, डायरेक्शन ऑफ मोशन, कि जिस डायरेक्शन लग रही डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं. थर्ड चीज, फोर्स कैन चेंज द साइज ऑफ वन ऑब्जेक्ट, ठीक है. एंड नेक्स्ट चीज हम पढ़ेंगे कि फोर्स कैन चेंज द स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, कि फोर्स मूविंग ऑब्जेक्ट को भी स्टॉप कर सकता है. जो हमने पहले पढ़ लिया था कि स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करना, कि रेस्ट में तो मोशन मिल जाएगा, मोशन में है तो रेस्ट मिल जाएगा. तो मीन्स फोर्स से हम क्या कर सकते हैं, मूविंग ऑब्जेक्ट को भी हम स्टॉप कर सकते हैं, रेस्ट में ला सकते हैं. जैसे बॉल, ये यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है कि बॉल मोशन में नीचे के लिए आ रही है और हम हैंड लगा के उसको पकड़ते हैं, कैच पकड़ते हैं, तो उसकी मोशन की स्टेट को हम रेस्ट में ले आते हैं, ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज टाइप ऑफ इफेक्ट इज अ फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, कि फोर्स किस तरह कर सकता है मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज कर सकता है. एज लाइक यहाँ पे एक फिगर बना रखा है कि माना ऑब्जेक्ट मोशन इधर को कर रहा है, रेड लाइन ऑब्जेक्ट के मोशन को डिनोट कर रहा है, ऑब्जेक्ट आगे को जा रहा है, अब फोर्स भी हमने आगे को लगाया, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट की स्पीड हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगा. मीन्स जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा हो, अगर उसी डायरेक्शन में आप फोर्स लगाओगे तो आपका ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी. बट अगर आपके फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे, तो आपकी स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है. ध्यान रखना, जब मोशन की डायरेक्शन में आप फोर्स लगाओगे तो स्पीड बढ़ जाती है, बट जब मोशन की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में आप फोर्स लगाओगे तो स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है. तो दिस इज द चेंज ऑफ स्पीड. ऐसे करके करते हैं हम स्पीड को चेंज कर सकते हैं, स्पीड इंक्रीज कर सकते हैं या स्पीड डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है. दीज आर द इफेक्ट ऑफ फोर्स. ये सब क्या है, फोर्स के इफेक्ट है, ठीक है. कौन कौन से हैं, पहला कि फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट, कि फोर्स ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज कर सकता है. सेकंड, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, कि फोर्स डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है ऑब्जेक्ट की, ठीक है, जैसे मैंने क्रिकेट बॉल का एग्जांपल दिया था. नेक्स्ट, फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, कि फोर्स शेप एंड साइज भी कर सकता है, चेंज कर सकता है. एंड नेक्स्ट, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि फोर्स स्पीड को भी चेंज कर सकता है. एंड लास्ट, फोर्स मूविंग ऑब्जेक्ट को भी रेस्ट में ला सकता है, ठीक है. आफ्टर दैट इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है यूनिट ऑफ फोर्स. यूनिट ऑफ फोर्स के बारे में हमने पहले पढ़ा है कि जो फोर्स की यूनिट होती है वो क्या होती है, न्यूटन होती है, ठीक है. न्यूटन से हम इसको डिनोट करते हैं. और अगर हम किसी को लिखना हो, जैसे उसने लिखा है यहाँ पे कि अब फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, एक फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन का, तो उसको हम लिखेंगे ऐसे लंबा नहीं लिखेंगे उसको, उसको शॉर्ट में लिख देंगे ऐसे, कि उसको ऐसे लंबे में नहीं लिखेंगे हम कि अब फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, उसको शॉर्ट में लिखेंगे हम कि 5N लिख देंगे उसको. क्या लिख देंगे, 5N. 5N मीन्स कि 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ठीक है. तो ये ध्यान रखना, तो फोर्स के जो लैंग्वेज में लिखते हैं हम इसको, ये तो इसमें दो चीज़ होती है आपकी, एक ये न्यूमेरिकल वैल्यू और एक ये पीछे वाला. तो न्यूमेरिकल वैल्यू को आप क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड बोलते हैं, और पीछे वाली वैल्यू को आप क्या बोलते हो, यूनिट बोलते हैं, ठीक है. तो 5 न्यूटन का फोर्स, 5 का फोर्स लग रहा है 5 मैग्नीट्यूड का, ठीक है, जिसका, ठीक है. तो ये चीज़ ध्यान रखना आप कि दो चीज़ें यहाँ पे आपका, कि फोर्स किस डायरेक्शन, फोर्स की यूनिट क्या है और फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, ठीक है. आफ्टर दैट आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो बनता है वो आता है टाइप ऑफ फोर्स के बारे में, फोर्स के टाइप्स. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका. तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि फोर्स के जो होते हैं वो 6 टाइप, यहाँ पर बहुत सारे टाइप के फोर्स होते हैं, पर यहाँ पर 6 को डिफाइन कर रखा है क्लास के अकॉर्डिंग. पहला हो गया मस्कुलर फोर्स, सेकेंड हो गया आपका मैकेनिकल फोर्स, थर्ड हो गया आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्थ हो गया आपका मैग्नेटिक फोर्स, फिफ्थ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एंड सिक्स्थ है आपका फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है. ये आपके टाइप ऑफ फोर्स है. आज हम सिर्फ 2 ही टाइप के फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, आपका मस्कुलर फोर्स एंड आपका मैकेनिकल फोर्स. इन दोनों फोर्स के बारे में पढ़ेंगे आप. तो पहले मस्कुलर फोर्स की बात की जाए, तो मस्कुलर फोर्स आपका नाम से पता चला है कि मस्कुलर बनाए मसल्स से, ठीक है. तो मीन्स अ फोर्स एग्जर्टेड बाय द मसल्स, ऐसे फोर्स जो हम की हमारी मसल्स से, ह्यूमन बींग या किसी भी एनिमल्स की मसल्स के थ्रू जो फोर्स लगते हैं, जिसमें कोई चीज़ को पुश करूं या किसी चीज़ को पुल करूं, तो उसको पुश या पुल करने के लिए मुझे अपनी मसल्स की जरूरत पड़ेगी. तो जहां भी आपको मसल्स की जरूरत पड़ती है या किसी भी एनिमल्स को, तो उसको बोलते हैं आपका मस्कुलर फोर्स. अ फोर्स एग्जर्टेड बाय द मसल्स ऑफ ह्यूमन और एनिमल इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स. कि जब आप फोर्स लगाते हैं मसल्स के थ्रू, तो उस फोर्स को बोलते हैं आपका मस्कुलर फोर्स. लाइक आपका वॉकिंग हो गया, वॉकिंग करने के लिए आप दौड़ते हो या चलते हो, चलने में आप फोर्स लगा रहे हो, रनिंग कर रहे हो, किकिंग कर रहे हो, लिफ्टिंग सर्टेन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट को उठा रहे हो, तो हर जगह में अगर आप फोर्स लगा रहे हो मसल्स से, तो बोलते हैं मस्कुलर फोर्स. या आप ये दिख रहे होंगे एग्जाम्पल, ये क्या है आपका, एक बेल है, ठीक है. वो क्या कर रहा है, इस बैलगाड़ी को आगे खींच रहा है,
तो यहाँ पे क्या लगा रहा है, अपनी मसल्स का यूज कर रहा है। तो यहाँ कौन सा फोर्स लगा रहा है, मस्कुलर फोर्स लगा रहा है। ये आपका पर्सन है, वो एक हैवी थिंग्स को उठा रहा है, तो यहाँ पे क्या फोर्स लगा रहा है, मस्कुलर फोर्स लगा रहा है। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ मस्कुलर फोर्स। ठीक है, अब आता है मैकेनिकल फोर्स। तो मैकेनिकल फोर्स बोलते हैं जब सेम थिंग मस्कुलर फोर्स मसल्स लगाती हैं, अब मैकेनिकल फोर्स लगाती है मशीन्स। अ फोर्स एग्जर्टेड बाय द मशीन टू डू सम वर्क, कि किसी काम को करने के लिए या किसी चीज़ को इधर से उधर करने के लिए जब हम मशीन्स के थ्रू फोर्स लगाते हैं तो उसको बोलते हैं मैकेनिकल फोर्स। उसको क्या बोलते हैं आपका, मैकेनिकल फोर्स। एज लाइक हम देखते हैं आपकी कार चलती है, बाइक चल रही है, बहुत सारी चीज़ें, साइकिल चल रही है, तो साइकिल में हम मसल्स, साइकिल में तो मसल्स लगा रहे हैं हमारा, पर जैसे कार बाइक चल रही है और कार बाइक आगे जा रही है, ठीक है, तो वहाँ पे इंजन के थ्रू क्या लग रहा है, उसमें मस्कुलर फोर्स, मैकेनिकल फोर्स लग रहा है। जो इंजन लगा रही है वो पेट्रोल बर्न कर रहा है, ठीक है, और मैकेनिकल फोर्स जनरेट करता है, और उससे आपका क्या होता है, ऑब्जेक्ट आगे को मूव करता है। ठीक है, ये जो आपकी बड़ी बड़ी बोटें चल रही हैं, एरोप्लेन चल रहे हैं, जितनी भी चीज़ चल रही है, यहाँ सब क्या लग रहा है, ये फोर्स के थ्रू आगे बढ़ रहा है। तो वहाँ कौन फोर्स लगा रहा है, मशीन फोर्स लगा रही है। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड मैकेनिकल फोर्स। मैकेनिकल फोर्स मीन्स अ फोर्स एग्जर्टेड बाय द मशीन, दैट फोर्स इज नोन एज मैकेनिकल फोर्स। ठीक है, तो एक मस्कुलर फोर्स हुआ और एक मैकेनिकल फोर्स हुआ जो आपने आज पढ़ा। बाकी फोर्स के बारे में आपके फोर टाइप्स के फोर्स हैं, इनके बारे में हम नेक्स्ट मीटिंग में पढ़ेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे।